हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी इंडेक्स में आज हमें रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल देखने को मिला है। कल का जो अडानी ग्रुप के बारे में न्यूज़ आई थी, उसके बावजूद निफ्टी इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड हाई लगाया, लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई लगाया है। लेकिन जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास ही ओपन हुआ और पूरे दिन ये 50 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड हो रहा था। एक डेड मूव हमें देखने को मिला आज पूरे दिन में, तो काफ़ी चौपी मार्केट था। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन एक बार वीकली चार्ट को देखना ज़रूरी है। जो हमने फ्राइडे के दिन एनालिसिस किया था, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो सिनारियो बन रहा है, यहाँ ये राइजिंग डबल बॉटम इसे कहा जाता है। जब भी ये पैटर्न बनता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम तेजी देखने को मिलती है। तो जब ये 23.6% के पास था इस कैंडल के पास, तभी हमने इसे आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर फिबो एक्सटेंशन लेवल के हिसाब से, एक सेकेंड मैं इसे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्विंग हाई लो पकड़ के हमने ये ड्रॉ किया। तो अभी 50% का लेवल है 16,099 के पास आ रहा है। उससे पहले 16,000 का हो सकता है एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो, वहाँ पर निफ्टी इंडेक्स एक रेजिस्टेंस फेस करे। अगर उसको पार कर देता है तो ये 50% का लेवल यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स अचीव करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो ये वीकली और डेली चार्ट का सीनारियो है इस समय। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर 60 मिनट के चार्ट में अगर मैं इसे और थोड़ा क्लियर कर दूं, एक 4 आवर्स का जी इसे मैं चार्ट कर देता हूँ, यानी 240 मिनट्स, और इसे अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। RSI में भी दिखा रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर भी दिखा रहा है। जब जब ऐसा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है प्राइस एक्शन में, तो आगे क्या होता है? अगर हम पास्ट में देखें, जब ऐसा पैटर्न बना था, यही कुछ दिनों पहले, ये देखिए यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था और उसके बाद ज़बरदस्त तेजी, और फिर अभी ये अप ट्रेंड में फिर से एक बार बना है। तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में हमें और तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अभी चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल है आज के लिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल क्या होगा। कल अगर 15,898 इसे और राउंड फिगर कर देते हैं 902, ये रेंज आज क्रिएट हुआ, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग। इसको अगर ब्रेक करता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर कल पोजीशन बना सकते हैं। तो 15,902 को अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो ये इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,918, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 15,935। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ होता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा आज का लो, फिर यानी 15,843, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, और फर्स्ट टारगेट तभी होगा जस्ट 20 EMA के ऊपर, यानी 15,828 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,810, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी खास मूव नहीं था, ओपन हुआ, ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए, और ऊपरी लेवल में एक चौपीनेस हमें देखने को मिला। अभी 60 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं और कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेलिंग प्रेशर, ये दूसरा, अभी फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स उसी लेवल के पास आ चुका है। तो ये ऊपर में जो सेलिंग प्रेशर का जोन बना है, इसको हम मार्क कर देंगे 35,354 को ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,423, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,493, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है आर्ली चार्ट में, यानी 35,179, ये हमारा होगा ब्रेक डाउन लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 35,111, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकंड टारगेट बनेगा अराउंड जस्ट ये 35,26 लेवल के आसपास हमारा सेकंड टारगेट बनेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए, यानी 16 जून।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।